तुम्हारे साथ भी बना दो। पक्का पक्का? बिग फैन। ठीक है ब्रो, तो अम्मा हमारे 3,000 सब्सक्राइबर होने वाले हैं। चलो ठीक है, बधाई हो। आज कल हो जाएंगे? कल हाँ, कल तक हो जाएंगे। तो अब बात करते हैं जिसके लिए कुछ लोग आए हैं और कुछ लोग नहीं आए हैं, वो है अर्निंग। ठीक है, कैसे हो सारे? आई होप कि सभी लोग बढ़िया होंगे, एकदम मस्त होंगे। तो अभी गाइस मैं जा रहा हूँ वीडियो शूट करने के लिए, जो कि आप लोगों ने टाइटल देख लिया, थंबनेल देख लिया, और मस्त जंगलों की तरफ से निकलते हैं। और आज मेरी लोकेशन इधर साइड को है, तो यहाँ से कुछ ऐसा नज़ारा दिखता है, इतना प्यारा सा, इतना मस्त सा, नीचे खेत ही खेत और सामने पहाड़, और आज तो बादल लगे हैं और मस्त व्यू आ रहा है। तो अभी मैं यहाँ पे पीरू पे फिसल पड़ा, तो देखो पूरे कपड़ों में सारा झाड़ी झाड़ लग गया और ट्राइपॉड यहाँ पटक गया। वैसे मुझे ये जगह बेस्ट लग रही है क्योंकि यहाँ से पीछे का व्यू भी मस्त आएगा, और मैं एक्सप्लेन भी सही से कर दूंगा आप लोगों को। तो रही इस टॉपिक की बात, तो आप लोग मुझे इंस्टाग्राम पे आजकल टॉपिक्स काफ़ी ज़्यादा प्रोवाइड करवा रहे हो, तो थैंक यू सो मच। तो आप लोग जो जो मुझे सजेस्ट करोगे वो मैं पॉसिबल हो तो आप लोगों के लिए वीडियोस बनाते रहूँगा। ऐसा कुछ नहीं है कि सिर्फ व्लॉग ही व्लॉग करेंगे, आप लोग जो बोलोगे वो चीज़ भी मैं आपकी रिक्वेस्ट पूरी करता रहूँगा। तो आज काफ़ी भाइयों की रिक्वेस्ट थी कि बताओ आपके चैनल पर कितने व्यूज़ आए, कितने सब्सक्राइबर आए हैं और आपकी अर्निंग कितनी हुई है। मेन जो क्वेश्चन है वो अर्निंग के ऊपर है कि इतने दिनों में आपके व्यूज भी अच्छे आ रहे हैं तो आपकी अर्निंग कितनी हुई होगी। तो सबसे पहले बात करते हैं इन 15 दिनों में हमारे चैनल में कितनी ग्रोथ हुई है। तो सबसे पहली चीज, मैंने इन 15 दिनों के अंदर में अपने चैनल पे पूरे 1,200 सब्सक्राइबर्स, यानी कि 1,200 सब्सक्राइबर्स पूरे कंप्लीट कर रखे हैं इन 15 दिनों में, जो कि काफी ज्यादा है। तो इस बार जो मेरे 1,200 सब्सक्राइबर्स हैं वो सिर्फ और सिर्फ 15 दिनों में आए हैं, और फर्स्ट के 1,000 करते करते मुझे पूरा 1 साल लग गया था। तो सोचो जहाँ से आपका चैनल थोड़ा सा ग्रोथ पकड़ता है तो वहाँ से आपके सब्सक्राइबर्स कितनी जल्दी इंक्रीज होते हैं, या आपके व्यूज, आपके सब्सक्राइबर्स, आपका वॉच टाइम कितनी जल्दी इंक्रीज होता है। तो आप सभी के सपोर्ट से चैनल मेरा बहुत अच्छा चल रहा है, मतलब मुझे खुद से बिलीव नहीं हुआ कि मेरा चैनल इतनी जल्दी इतना तेज ग्रो कैसे हुआ। तो जब तक आप लोग ये वीडियो देख रहे होंगे ना, तब तक मेरे चैनल पे 3K सब्सक्राइबर्स कंप्लीट हो चुके होंगे, उसके लिए भी सभी को बहुत बहुत थैंक यू। और बाकी रही वॉच टाइम की बात, तो वॉच टाइम मेरे चैनल ने कंप्लीट कर लिया पूरे 5,500 घंटे का इन 28 दिनों में। मेरे चैनल ने पूरा 2,200 घंटे का वॉच टाइम पूरा किया। तो व्यूज जो है पिछले 15 दिनों के अंदर में मेरे चैनल पे 50,000 से ज्यादा आए हैं। तो 50,000 नए व्यूअर्स मेरे चैनल पे विजिट करे हैं, जिनमें से कुछ लोगों ने सब्सक्राइब करा, कुछ ने नहीं करा, कुछ ने वीडियो देखी, कुछ ने नहीं देखी। तो 50,000 मेरे चैनल पे व्यूज आए थे, और 2.2 आवर्स का वॉच टाइम आया था, और 1,000 से प्लस सब्सक्राइबर्स विद इन 15 दिनों में मेरे चैनल पे आए हुए थे। तो अब बात करते हैं जिसके लिए कुछ लोग आए हैं और कुछ लोग नहीं आए हैं, वो है अर्निंग। अर्निंग मतलब ये एक ऐसी चीज़ है कि सबके अंदर से रहती है कि यार अर्निंग जानते हैं इसकी, मतलब इसकी वीडियो ने कितना कमाया होगा, कितना नहीं कमाया होगा। तो मेरा मेन मोटिव पैसा कमाना नहीं है अभी, मेरा मेन मोटिव जो है अभी इस चैनल से वो ये है कि मेरे को एक अच्छा सब्सक्राइबर्स बेस बनाना है, एक अच्छी फैन फॉलोइंग बनानी है, एक अच्छी फैमिली अपनी क्रिएट करनी है, बाकी अर्निंग जो है वो फिर बाद में हो ही जाएगी। तो अर्निंग के ऊपर मेरा इतना फोकस भी नहीं है और मैं इतना ध्यान भी नहीं दे रहा हूँ। बाकी आप लोगों ने बोला कि अर्निंग के बारे में बता दो कि अर्निंग क्या हो रही है, कितनी हो रही है, क्या नहीं हो रही है। तो अभी तो फिलहाल गाइस मैंने US टैक्स का फॉर्म नहीं भरा है, तो मुझे ये नहीं पता कि US से जो अर्निंग आ रही होगी वो कट रही है या बच रही है, तो उसका मेरे को कोई नॉलेज नहीं है अभी फिलहाल। जब तक मेरा पैन कार्ड उस पर रजिस्टर नहीं होता है तब तक वो चीज़ का मेरे को पता नहीं है। तो वहाँ जो कट रहा होगा वो मैं बता नहीं सकता, मुझे पता नहीं है उस चीज़ के बारे में। तो मोनिटाइज हुए मेरे चैनल को 4 दिन हो चुके हैं, तो ऐसे अर्निंग रिवील होती है नहीं होती है मुझे तो पता नहीं है इतना खास कि अर्निंग अपने रिवील कर सकते हैं या नहीं कर सकते। तो अभी तो फिलहाल जस्ट स्टार्ट ही है, तो इसलिए मेरे को कोई ज़्यादा कुछ फर्क पड़ने का नहीं। तो इसलिए मेरे चैनल ने $2 से $3 की जहाँ से ज्यादा $2 या $3 कमाए, उससे ज्यादा मेरे चैनल ने अभी तक अर्निंग नहीं करी है, क्योंकि 4 दिन मोनेटाइज हुए हुए हैं, तो ज्यादा अर्निंग इस चैनल ने नहीं करी है। और मैं शो तो मैं नहीं कर सकता क्योंकि मुझे नहीं पता कि गाइडलाइंस क्या है क्या नहीं है, क्या पता स्ट्राइक आ जाए या यूट्यूब के कम्युनिटी के खिलाफ हो जाए, तो वो चीज मैं शो नहीं कर सकता। इसलिए मैंने आपको बता दी कि $2, $4, $5 के आसपास मेरी अर्निंग हुई है, उससे ज्यादा मेरी अर्निंग अभी तक नहीं हुई है। तो और फर्स्ट $10 के बाद ही जो है एडसेंस की पिन आती है घर पे, तो उसके लिए $10 जल्दी से जल्दी कंप्लीट करवाओ आप लोग व्यूज, जल्दी से जल्दी अपना प्यार दिखाओ, अपना सपोर्ट दिखाओ मेरे चैनल पे, जल्दी से जल्दी $10 अर्न करो और हमारा एडसेंस का पिन आ जाएगा हमारे पास। तो बाकी क्या है बताने लायक, बाकी तो मैंने आप लोगों को बता ही दिया कि ये चीज थी। तो मेन जो था वो अर्निंग का ही खेल था कि लोगों को अर्निंग जाननी थी, तो अर्निंग आप लोगों को बता दी है कि मेरी अर्निंग कितनी हुई है और क्या हुई है। बाकी आज नई लोकेशन है तो कैसी लग रही है ये भी बताना मेरे को। डेली आप लोगों को मेरे व्लॉग्स में एक नई नई लोकेशन देखने को मिलेगी, मतलब कि हर दिन व्लॉग एक नई जगह से स्टार्ट होगा, चाहे बाद में वो कुछ भी हो, बट वो स्टार्ट एक नई जगह से होगा, एक अच्छी जगह से होगा, जहाँ से आप लोगों को हाँ ये लगे कि एक प्यारी सी जगह, एक मजा आया। चलो बाकी आप लोगों को पता चल गया होगा। हमारे साथ जो बना रहे हैं,
तुम्हारे साथ बना दो पक्का पक्का। वहाँ से मेरे को देख के आए हो यहाँ तो देखो बच्चे अभी मुझे वीडियो देख के यहाँ पे आ गए ब्लॉग बनाने के लिए, तो लो तुम आ गए हो ब्लॉग पे। हेलो गाइस, खुश हो आप? ठीक है ब्रो। लाइक करना है तो लाइक करो, सब्सक्राइब करो। तो चलो गाइस, आप लोगों ने देखा कि बच्चे आए थे अभी सब्सक्राइबर्स मिलने के लिए, और ये कभी कभी कुछ अलग ही आ जाते हैं, कभी कोई अलग ही आ जाते हैं। तो मैं यहाँ पे वीडियो शूट कर रहा था जंगल पे, देखो वैसे यहाँ पे कुछ भी नहीं है, बट इन्होंने पल्ली गांव से मेरे को देखा और ये वहां से आगे की वीडियो बना रहे हैं। ओ यार कांटे में फंस गया। तो वो लोग पल्ली गांव से आए और उन्होंने देखा कि यहाँ पे वीडियो बना रहे हैं, तो वो आ गए, बोले हमारे साथ भी वीडियो बना दो। मैं कि आप लोगों ने देखा कि वो लोग कह रहे हैं कि वीडियो बनाओ, बिग फैन बिग फैन, तो बिग फैन बिग फैन बिग फैन कह रहे हैं सबकी आजकल, पता नहीं क्या है सीन। तो सभी लोग काफी ज्यादा प्यार दे रहे हो, काफी ज्यादा सपोर्ट दे रहे हो। देखो बच्चे इतनी दूर दूर से मिलने के लिए आ रहे हैं और वीडियो में आ गए वो, तो काफी ज्यादा अच्छा लगता है ऐसे जब बच्चे बुच्चे आते हैं मिलने के लिए और वो वीडियो में आते तो उनको भी अच्छा लगता है। जब वो कल ब्लॉग देखेंगे तो उनको कितना अच्छा लगेगा कि हम वीडियो में हैं यार, ब्लॉग में, कितना अच्छा लगेगा उनको। तो इससे अपने को भी खुशी होती है और उनको तो खुशी होती होती है। तो बंदर भी आ गए हैं मेरे ट्राईपॉड और फोन देख के, देखो। तो अभी तक ये बंदर देखो मुझे ही देख रहा था कि क्या शूट कर रहा है भाई। तुझे भी आना है वीडियो में, आ जा भाई, तेको भी आना है। तो दो तीन बंदर यहाँ पे आए हैं वीडियो देखने के लिए, और अभी थोड़ा मौसम भी खुल गया है, अभी तक अंधेरा और था, तो वीडियो में आप लोगों को अंधेरा अंधेरा दिख रहा होगा, तो अभी थोड़ा सा धूप आ गई है तो ठीक भी हो गया मौसम। तो अभी गाइस मैं इसको घुमाने के लिए ले आया हूँ, और बाकी आप लोग ये बताओ कि आप लोगों को वीडियो कैसी लगी, और आप लोगों को अगर वीडियो अच्छी लगी होगी तो जितना पॉसिबल हो सकता था मैंने आप लोगों को समझाने की कोशिश करी। और बाकी वीडियो क्वालिटी थोड़ा सा डाउन होगी बिकॉज बादल लगे हुए थे तो लाइट एकदम डायरेक्ट नहीं पड़ रही थी, और अंदर मैं शूट इसलिए नहीं करा क्योंकि वहाँ बहुत ज़्यादा दिक्कत हो जाती है। तो चलो इस वीडियो को एंड करते हैं, आई होप आप लोगों को अच्छा लगा होगा। अगर पसंद आया तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करना। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में।